करते हैं शुरुआत जी एंटरटेनमेंट के साथ। सोनी के साथ मर्जर पर अपडेट आया है। दोनों पक्षों के बीच मर्जर की तारीख बढ़ाने पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। इस स्टॉक पर एक्शन आपको दिख सकता है। मझगांव डॉक, यहां पर रखिए नजर। रक्षा मंत्रालय से 1600 करोड़ रुपए का इन्हें ऑर्डर मिला है। 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ये बनाएंगी, इस पर फोकस करिए। साथ ही फोकस करिए कोचिन शिपयार्ड, यहां पर भी रक्षा मंत्रालय से इन्हें ऑर्डर मिला है करीब 500 करोड़ रुपए का। दोनों शिपयार्ड स्टॉक्स में एक्शन आज आपको आते हुए दिख सकता है। टार्सन्स प्रोडक्ट, ये जर्मनी में एक एक्विजिशन करने वाली है 135 करोड़ रुपए में, ये फोकस में रखेगा आपके। अदानी ग्रीन, 26 तारीख यानी कि अगले हफ्ते ट्यूसडे को बोर्ड बैठक होगी, फंड जुटाने पर विचार हो सकता है और इसमें इक्विटी के जरिए भी ये फंड जुटा सकते हैं। डीएलएफ, खबरें आ रही हैं कि गुड़गांव में कमर्शियल प्रोजेक्ट और पंचकुला में रेजिडेंशियल टाउनशिप लॉन्च किया है, दोनों प्रोजेक्ट से लगभग 1400 करोड़ रुपए ये कमा सकते हैं। फ्लेयर राइटिंग, लिस्टिंग के बाद पहली बार आए हैं नतीजे, मुनाफा फ्लैट रहा है, रेवेन्यू फ्लैट रहा है, मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट सपाट ही रहे, कुछ ज्यादा खास नंबर्स है नहीं। श्रीराम पिस्टन्स, इस पर बड़ा एक्शन दिख सकता है। सुनील सिंघानिया साहब के एबाकस फंड्स ने यहां पर 34.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, कल 5% के अपर सर्किट पर था शेयर। निपॉन लाइफ, कल बड़ी ब्लॉक डील में इंडसइंड ने तो 3% हिस्सा बेचा है, बट 10 बायर्स सामने थे जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे नाम भी शामिल थे। और फाइनली स्टील स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। जेफरीज की आज रिपोर्ट आई है। कोल इंडिया, यहां पर टारगेट बढ़ाकर 425 किया है। जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर टारगेट बढ़ाकर 700 किया है, बट रेटिंग अंडर परफॉर्म की है। टाटा स्टील टारगेट 160 बढ़ा दिया है और हिंडाल्को का भी टारगेट बढ़ाकर 660 किया। तो सारे स्टॉक्स पर इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है। यह है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।